नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसके राजपूत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2023, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी जीके जीएस, सीरीज नंबर 3 है। तो आइए देर ना करते हुए सीधे सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और ये तीसरा सीरीज है, ऐसे ही लगातार डेली आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। और इसमें 30 सीरीज हैं, 30 की 300 ही करा देंगे हर हाल में। तो चलिए चलते हैं सीधे हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, चालू वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है? तो ये पौष्टिक अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है कि मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो ये किस देश के वैज्ञानिकों ने लगाया, तो ये रूस के वैज्ञानिकों ने बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि RBI ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कर दिया गया है 2 लाख रुपये। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो ये बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है श्रीलंका ने। ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का नया 23वां जिला बन गया है? तो पंजाब का नया 23वां जिला बन गया है मलेरकोटला। आंसर डी सही है, मलेरकोटला है जो पंजाब का 23वां जिला बन गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा में प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नील कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल वार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य बना है वो असम बना है डिजिटल वार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली के मामले में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये पुणे में स्थापित किया गया है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य है वो हमारा है कर्नाटक। आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो संजीवनी परियोजना की शुरुआत की वो किसने की थी? हरियाणा सरकार ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो मोहाली का जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृतबाइनी ऐप लॉन्च किया है? तो वो अमृतबाइनी ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है वो हमारा है झारखंड। ऑप्शन बी सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय में किसके साथ समझौता किया गया है? तो वो समझौता किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लम्हेता घाट का संबंध किस राज्य से है? ये भेड़ाघाट और लम्हेता घाट का संबंध है ये मध्य प्रदेश से है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाइयां स्थापित करने की योजना तैयार की है, यह किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो यह कृषि के क्षेत्र में भी उपयोगी है, कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में भी उपयोगी, और आपदा प्रबंधन यानी कि उपयुक्त सभी में। ऑप्शन डी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन आएगा कि अक्टूबर 2022 में 24 वर्षों में पहले गैर गांधी कांग्रेसी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये गैर कांग्रेसी अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन सी सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में पहले अश्वेत एशियाई मूल के नेता के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो शपथ ली थी ऋषि सुनक ने, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय शक्ति खेल संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रामपुर की सुभद्रा सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो रामपुर की सुभद्रा सिंह ने कोई पदक नहीं जीता है, न स्वर्ण पदक, न रजत पदक, कौन सा कोई पदक नहीं जीता है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा है? तो झांसी रेलवे का नाम बदलकर रखा है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो ये पोंगल का चौथा दिन कहलाता है कानुम पोंगल, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? तो वो करती है हमारी उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर माधव हाड़ा को। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस हमारा मनाया जाता है हमेशा 22 अप्रैल को। और अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग कहाँ होता है? तो CO2 का उपयोग कहाँ होता है? तो आग बुझाने में होता है, बिल्कुल आग बुझाने में होता है, सोडा वाटर में भी होता है, हरितगृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैस में भी होता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट है जो राजस्थान के जयपुर में है, इसकी स्थापना PM कुसुम योजना के तहत हुई है जी। हर वर्ष लगभग 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला श्रमिक आंदोलन तो ये किया गया है केरल में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक किस जनपद में है? तो भाई सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अनुसूचित जातियों में वो कहाँ है? वो है सोनभद्र में, ऑप्शन डी सही है। सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति है आजमगढ़ में। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक किस जनपद में? वो है आजमगढ़ में, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है सामान्य व्यापार कर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सैरानाथ बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जनपद में लोकप्रिय? तो सैरानाथ जो है वो झांसी में भी है लोकप्रिय, ललितपुर में, हमीरपुर, यानी कि सभी में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग जी सही है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, हाँ जी। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति शासन, नहीं राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 56 में नहीं होता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है, 60 शपथ होती है, और राष्ट्रपति शासन होता है राष्ट्र राज्य 356 में होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, सॉरी डबल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है वो बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो पिसीकल्चर कवकों का अध्ययन, नहीं ये गलत नहीं है, ये गलत है। सेरिकल्चर मत्स्य पालन, ये भी गलत है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर पक्षियों का अध्ययन, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है कि अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, तो अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं तो ये क्या है? इसका अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, तो ऑप्शन बी सही है, सॉरी अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं शुल्क यानी कि GST लगाया गया,
तो जीएसटी लगाया गया ऑप्शन सी यानी कि 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या किसने की। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है कूका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे, तो कूका के थे भगत जवाहरमल, सॉरी कूका नामधारी आंदोलन के भगत जवाहरमल थे जी, भगत जवाहरमल। बाबा राम सिंह कूका भी थे, हाँ ये तो मैन ही थे बाबा राम सिंह कूका, भाई बालक सिंह भी थे, यानी कि सभी थे, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग का मनु कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है कि एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है, एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो एका आंदोलन ये अवध यूपी के उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र यानी कि पूर्वांचल अयोध्या वाला जो क्षेत्र है वो उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो वो बन गया है वेनेजुएला जिसने 10 लाख का नोट जारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद प्याज किस राज्य का उत्पाद है, तो ये महाराष्ट्र का अलीबाग जो है वो सफ़ेद प्याज का उत्पादक है, सबसे ज़्यादा प्याज होता है महाराष्ट्र में ही। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भंडारण में प्रथम है, तो प्राकृतिक गैस में भंडारण में उत्पादन में प्रथम है वो है असम, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस, सॉरी डबल हो गया, मंडुआडी रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है, तो मंडुआडी रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम है बनारस जंक्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है, तो वो विकसित किया है किसने, इसरो ने, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन से है, तो चमड़ा उद्योग के लिए आगरा और कानपुर, ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये मथुरा में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का ये है लखनऊ में। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है, तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस ये है एक वायुमंडलीय घटना है, ऑप्शन डी सही है। तो ये थी आज हमारी सीरीज जीके जीएस सीरीज सामान्य जानकारी, और जो कि इसमें हमारे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस जो बुक है इसमें 30 प्रैक्टिस दिए गए और ये हमारा तीसरा है। आने वाले दिनों में यानी कि जब तक वीडियो का एग्जाम होगा 26-27 जून, इससे पहले हम लोग पूरा 30 के 30 ही कंप्लीट कर लेंगे। और इधर हिंदी का भी है तो हिंदी का भी चल रहा है, हिंदी की सीरीज चल रही है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे, जीके भी, और इसके बाद में रीजनिंग का जो रीजनिंग की 21 प्रैक्टिस सेट हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और यानी कि जो भी हमारे हैं घटना चक्र के हैं जो टो सीरीज है 10 प्रैक्टिस सेट हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं, और ये ज्ञान मुद्रा पब्लिक हाउस पब्लिशिंग हाउस वाली जो बुक है इससे भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और अगर कुछ भी आपको इसमें त्रुटि लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।